नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। हमारे साथ शिंदरपाल जी हैं जो एक आशा वर्कर पंजाब में काम करते हैं। इनसे जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा विद डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह चिंसा के बारे में इनका क्या कहना है। शिंदरपाल जी, आपका द फैक्ट टाइम में स्वागत है। कितने समय से आप डेरा सच्चा सौदा के? मैं बचपन से ही डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हूँ। कितना विश्वास करते हो सर? बहुत ज़्यादा, अपने आप से भी ज़्यादा। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप विश्वास करते? जो भी मेरी ज़िंदगी है सब कुछ सतगुरु की देन है, हुजूर पिताजी। ऐसा क्या काम गुरुजी ने आप लोगों के लिए किए हैं जो आज भी आप उनके साथ आस्था रखते हो, उन पर विश्वास करते हो? गुरुजी ने बहुत काम किए हैं, जैसे गरीब लड़कियों की शादी करने की शिक्षा देते हैं, खून दान करना, गरीबों के घर बनाना, ठीक है, जिमें और भ्रूण हत्या रोकना, और जो जिसके एक लड़की होती है उसके लिए भी गुरुजी ने मौका दिया है, जिन्हें अपने कुल का क्राउन बनाना है, ठीक है, उस लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है डेरे में आकर रहना, सेवा करना, और पिताजी के साथ विश्वास बहुत ज़्यादा है हमारा। देश को आगे लेके जाने के लिए गुरुजी का कोई रोल, कोई योगदान है? हाँ जी, बहुत है। जिन्हें नशा छुड़ाया है, नौजवान पीढ़ी है जो डेरे के साथ जुड़ी है, उसके लिए अगे ले जा रहे हैं ना पिताजी। 3-4 सालों से संत जी समाज में नहीं है, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर 3-4 सालों से? बहुत बुरा है, पर लोग नहीं समझते, पर बहुत बुरा है। गुरुजी की बहुत लोड़ है, जरूरत है। हाँ जी, बहुत जरूरत है। संत जी समाज में आ जाते हैं तो क्या बदलाव होगा? बहुत बदलाव होगा, जैसे नशा और जो इतनियाँ बुराइयाँ फैलियाँ हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। एक तरफ संत जी के कार्य हैं, दूसरी तरफ उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका जो उनके ऊपर आरोप लगाए? वो सब कुछ गलत है, आरोप है जो मीडिया में टीवी में दिखाया जा रहा था, जो हम नहीं विश्वास करते। क्या मांग करना चाहोगे आप सरकार से? हम सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे गुरुजी को वापस डेरे में भेज दें। लोगों को क्या बताना चाहोगे जिन्होंने टीवी के द्वारा ही देखा है लड़कियों की सुरक्षा को लेकर, या जो भी टीवी में देखा है आप अपनी वीडियो में? नहीं, कोई का बात नहीं है ऐसी, मैं बचपन से इतने आती हूँ, जहाँ पर बचपन से आती हूँ मैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार डेरा सच्चा सौदा में जाने वाली लड़कियां आपके सामने आकर बोल रही हैं कि ऐसा माहौल नहीं था जो टीवी में दिखाया गया, जो मीडिया के द्वारा दिखाया गया। फिर आखिर क्यों एक संस्था को बदनाम किया गया? ये लगातार वहां जाने वाली करोड़ों लड़कियां सवाल उठा रही हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं। आप लोग खुले दिमाग से सोचिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद।